क्लास और ध्यान रखना, सुन लो, थोड़ा सा विजुलाइजेशन होना है यहाँ पे। टॉपिक का नाम है, अच्छा मैंने लास्ट टॉपिक कराया था आपको, फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, उनके बीच का फोर्स है। चैप्टर नंबर थर्ड का संडे को टेस्ट होगा, कोई नहीं मिस करेगा, पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है भी फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर के लिए शोक बंद कीजिए, थोड़ी देर बाद रो लेना। फोर्स इन बिट क्या बोल रहा हूं, टॉर्क कौन है, टॉर्क ऑन आ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा भैया एक करंट कैरिंग कॉइल है। अब देखो कॉइल की शेप तो कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रेक्टेंगल के लिए कर रहे हैं। आप बाकी कुछ भी रख सकते हो, जो कैलकुलेशन से फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर, ठीक है? और ये ना अकुली हो रही है ना थोड़ी बहुत, पहले से गर्मी कम हुई, मतलब चल रहा है, हानि कम हुई है मेरे को लग रहा है, ठीक है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम मेन है। आपको याद होगा इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कि एक वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये वायर क्या है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है? और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये क्या है, थीटा है, और इसके ऊपर करंट कितना है, आई है। तो इसके ऊपर जो कंसेप्ट है, इसके जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या रहेगा, बी आई एल। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और साइन थीटा लग जाता है। और थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, इनके बीच का एंगल है। अब एक चीज देखिए, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड हैंड पाम रूल रूल, ठीक है भैया? क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल? तो भैया देखिए, अगर इस वाली सिचुएशन को मैं देखूं तो राइट हैंड पाम रूल याद है ना, क्या कहता है ये, क्या है, उल्टा, ये सीधा हाथ है और पाम ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है? ये जो थंब होना चाहिए ये इन उंगलियों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये क्या है, करंट है, ये क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है, फोर्स, ठीक है? समझ गए? तो यही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है? हमारा टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ध्यान दीजिए भैया, समझिए इस बात को। कह रहा भैया कि कॉइल के ऊपर टॉर्क क्यों लगा मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बाद? तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है। क्या होता है, देखिए, अगर नॉर्मली फोर्स मैं किसी भी चीज पे लगाता हूं तो वो आगे बढ़ जाती है चीजें, ठीक है? तो उसे रोटेशनल इफेक्ट नहीं कहते, और वो टॉर्क भी नहीं कहलाता। जब आप किसी चीज, जैसे पंखा है, पंखा एक एक्सिस के अलोंग फिक्स है, दरवाजा फिक्स है, ठीक है, खिड़की फिक्स है, तो जब इन चीजों पर, जो चीजें फिक्स होती हैं, उन चीजों पर फोर्स लगता है, तो फोर्स का इफेक्ट आता है, उनको टर्न करा देता है। फोर्स क्या करता है, उन चीजों को टर्न कराता है। फोर्स के इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। तो यहां पर जो कॉइल है जिसके ऊपर मैं टॉर्क निकालने जा रहा हूं, वो एक एंड से क्या होगी, फिक्स होगी, क्या होगी, और उसके ऊपर लगेगा फोर्स, और फोर्स क्या करेगा, उस कॉइल को टर्न करा देगा। उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। और वही टॉर्क हम निकालने जा रहे हैं। टॉर्क का ये पहला कंसेप्ट तो ये रहा। दूसरा कंसेप्ट यह है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है। तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है भैया, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन देम। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, सेपरेशन इन बिटवीन फोर्स, फोर्स और परपेंडिकुलर सेपरेशन का जो प्रोडक्ट आता है, किसके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है, तो फोर्स जिस लाइन में लग रहा है, फोर्स जिस लाइन में लग रहा है, तो उन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है? ये कंसेप्ट है, ये यूज हुआ है बेटा। अभी ये मार पड़ी है, लेकिन जब जिंदगी की मार पड़ेगी तो आपको रोना भी नहीं आएगा, इसलिए अभी मार खा लो और सुधर जाओ, ठीक है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए? ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं जो डेरिवेशन है मेरी वो निकालने जा रहा हूं, और वो डेरिवेशन बहुत काम किया, क्योंकि इसी डेरिवेशन से हमारा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होगा,
ठीक है। और मूविंग कॉइल वैल्यूमीटर बड़ा खतरनाक टॉपिक है, मतलब है तो प्यारा लेकिन इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये आपकी एक क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये घूमने की स्टेट में मैंने इसको दिखा रखा है। इस वक्त ऐसा है ना, तो इसका मतलब ये घूम रही है, ठीक है ठीक है ना, ये घूम रही है। घूम क्यों रही है भैया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, अरे यार अच्छी चीज। अरे यार ठीक है ना, सेंटर नहीं है ये, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नाम देता हूं मैं ए, इसको नाम देता हूं बी, इसको नाम देता हूं सी और इसको नाम देता हूं डी। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ज्यादा बढ़िया, क्या है ठीक है। चलो तो ये जो तीर है ना, ये येलो कलर वाली तीर है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, कैसी है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। ठीक है, अच्छा कॉइल के इस वाले आर्म के साथ और इस वाले आर्म के साथ, ये जो कॉइल है इस कॉइल के इस आर्म के साथ और इस आर्म के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर, क्या है, कैसी है, लेकिन ये ऊपर, ये इस वाले आर्म के साथ और इस वाले आर्म के साथ कॉइल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, कुछ एंगल होगा, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पे एंगल कितना बन रहा है थीटा, यहां पर कितना है 90, ये भी कितना है 90, ये कितना है, ठीक है। चलो अब ए बी सी डी, अब बनाते करंट, करंट को मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, ठीक है बताओ, गुलाबी कलर से बनाता हूं बेटा। ये है आई, ये है आई, ये है आई और ये है आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आई। अब मैं फोर्स निकाल रहा हूं, सबसे पहले किस पे निकालू आप बता दो, किस आर्म पे निकालू, देखिए इंडिविजुअल आर्म पे अलग अलग तरीके से फोर्स निकालना पड़ेगा, बताओ किस पे निकालू, ए बी पे निकालू, ए बी पे निकालू। अच्छा ये जो कॉइल है वो घूम रही है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है घूम रही है, डी वाला एंड आपकी तरफ आ रहा है और सी वाला एंड अंदर की तरफ जा रहा है, ये कहां जा रहा है, अंदर, और ये कहां आ रहा है, बाहर, बाहर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा, समझिए। अब ध्यान दीजिए, ए बी वाले पोर्शन पर, ए बी वाले पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है। अब फोर्स, ये एक कंडक्टर है, ए बी जो है वो छोटा सा एक कंडक्टर है, मैं बाकी कॉइल को भूल जाता, केवल ए बी को याद रखता हूं। तो ए बी, यहां पे एक बात और बता दूं कि ए बी हेयर, ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अतः बराबर होंगे, पैरेलल तो होंगे होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, बी, इसे क्या कहता हूं भैया, विड्थ, क्या कहता हूं उसको, विड्थ ऑफ कॉइल। और यहां पर आपका ए डी और बी सी, ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगे, इसको क्या कहता हूं, लेंथ, क्या कहता हूं, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के डायमेंशन मैंने लिख दिए, लंबाई क्या है एल और चौड़ाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ए बी और, ए बी और बी सी 90 डिग्री के एंगल पर है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अबे अच्छा ए बी, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी 90 डिग्री के एंगल पर है, ए डी एरा बीसी ए रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल, लेकिन डीसी और ए बी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। डी एंड क्या हो रहा है, यहां पर डी एंड आपकी तरफ आ रहा है, यहां पे लिख दूं आपकी तरफ,
तरफ और ये आपसे दूर, आपसे दूर। ठीक है भैया, तो डी सी वाला एंड आपसे दूर जा रहा है इस वक्त और डी वाला एंड आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बस अब देखिए मैं निकालने जा रहा हूं फोर्स किस पे, ए बी पे। किस पे निकालने जा रहा हूं, ए बी कौन सा पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है। अब ए बी में बी वाला एंड क्या आपसे दूर है, अब क्योंकि सी वाला एंड दूर है आपसे तो डी वाला बी वाला एंड भी क्या होगा, आपसे दूर ही होगा ये वाला, और ए वाला एंड क्या होगा, आपकी तरफ होगा। और करंट कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ से आपसे दूर, यानी ए बाहर की तरफ होगा और बी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पहले बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फोर्स ए बी पे फोर्स जो लग रहा है वो बताइए, कौन बताएगा मुझे बताओ। ऐसा होता है ना, बता। बी आई, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, कोई दिक्कत। एल कहां से ले रही है, बी आई बी साइन थीटा। बी आई बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, और यहां पर जो विड्थ है, जो कंडक्टर की लंबाई है वो क्या है, बी है एक्चुअली। तो एल की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, बी। और साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल, जो कि क्या है। तो इसलिए बी आई बी साइन थीटा, और इस फोर्स की डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल, वेयर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। कहाँ जा रहा है, तो थम को रख दो अंदर की तरफ और उंगलियों को रख दो राइट साइड में। थम जाएगा क्योंकि थम जो करंट जा रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, बी वाला पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ है बोर्ड के, और ए वाला पोर्शन जो बाहर की तरफ है। यानी करंट क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। और फिंगर जो आपकी सीधे हाथ की जो फिंगर है वो कहाँ होनी चाहिए, आपकी राइट साइड में होनी चाहिए। तो जो आपका हेप्टा है वो कहाँ रहा है, नीचे की तरफ। यानी फोर्स कहाँ जा रहा है, ये वाला डाउनवर्ड कहाँ जा रहा है, फोर्स डीसी पे निकाल लो। चलो गुप्ता जी आप ही बता दो, बता दो कोई बात नहीं। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बोल बोल जल्दी बोल, कोई बात नहीं कितनी है भाई, इस पर फोर्स कितना लगा उसका मैग्नीट्यूड बता दे मुझे बस। बी आई बी साइन थीटा, सेम वही चीज है, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बी, कंडक्टर की लेंथ भी क्या है स्मॉल बी, करंट क्या करी कर रखा है आई, और थीटा क्या उनके बीच में थीटा। तो फोर्स कहां ले गया, ऊपर बना रखा है, ऊपर भी मैं क्यों बना रखा तो बता लेगा, बी आई बी साइन थीटा। अभी ये कैसे फोर्स ऊपर बना रखा है, तो आपको पता सी डी एंड आपकी तरफ है और करंट भी कहां आ रहा है, डी की तरफ आ रहा है। तो राइट हैंड का जो अंगूठा है आपकी तरफ कर लो अपने मुंह की तरफ, उंगलियों को अपने सीधे हाथ की उंगलियों को राइट साइड में कर लो, तो रेप्टा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड। कहां आ रहा है, अपवर्ड। ध्यान दीजिएगा भैया, अभी ये बना लेते हैं। अब लिख रहे हैं भैया बीसी पार्ट पे, बीसी। चल बताओ यहां पर फोर्स लगेगा बी आई एल, साइन थीटा नहीं लगाएगी क्योंकि यहां पर एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और 90 डिग्री का, साइन 91 होता है। ठीक है, तो भैया या इस वाले पोर्शन पर फोर्स एट बीसी पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, बी आई एल साइन 90। 90 क्यों यूज किया, क्योंकि एल जो है वो बी के क्या है परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बी आई बी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल, जानबूझ के लिखा है, अभी रैप्ट मारूंगा कहीं मैं छप लू। ठीक है, बी आई बी आई एल बिलो क्या। अच्छा इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, तो भैया करंट कहाँ है, ऊपर अंगूठे कर दो, ऊपर उंगलियों का क्या कर दो, सीधे डायरेक्शन में राइट साइड में। तो रैप्टा जा रहा है अंदर, यानी आपका बीसी एंड पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इनवर्ड। कैसा लग रहा है, इनवर्ड। ठीक है, अब आते हैं भैया इस वाले पोर्शन पे, फोर्स एट डीए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी आई एल ही आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये भी क्या है परपेंडिकुलर है डायरेक्शन। तो भैया थंब कहां आ रहा है, नीचे करंट के डायरेक्शन में, और उंगलियों क्या रख दो सीधा। तो रैप्टा कहां जा रहा है, बाहर, क्या रहा है, आउटवर्ड। अब मैंने प्रत्येक आर्म पे निकाल दिया है फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं जो लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान रखना, डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, एक डायग्राम और छोटा सा है उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, चलो चलो इस डायग्राम को मैं यहां पे बना देता हूँ। अब मैं इसको टॉप व्यू देख रहा हूँ, यहां से देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूँ इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप व्यू बना रहा हूं मैं उसका, इसी डायग्राम का टॉप व्यू।
टॉप व्यू में आप देखोगे कि आपका सी वाला एंड इधर जा रहा है, बोलो हाँ, और डी वाला एंड बाहर की तरफ आ रहा है। ऊपर से देखोगे पे डी वाले पे एक फोर्स, डी वाले को जो फोर्स बाहर ला रहा है वो ये वाला फोर्स है ना। डी वाले पे बाहर ला कौन ला रहा है, ये वाला फोर्स। कौन सा फोर्स बाहर ला रहा है, नाम बताओ उस फोर्स का। एफ डी ए, उसकी वैल्यू क्या है, बिल। और सी वाले एंड को अंदर की तरफ ले आ रहा है कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स। फोर्स अंदर भेज दो, ऊपर से देख रहे हो आप इसको। इस फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, बी सी। इसकी वैल्यू क्या है, बी। इस फोर्स का लाइन यहां पर है, इस फोर्स का लाइन ये रहा, इस फोर्स का लाइन ये रहा, ये टेढ़ा बन गया ना ऊपर वाला थोड़ा फोर्स। एफ कौन सा है, बी सी। इसकी वैल्यू भी क्या, बी आई एल, है ना। अब डी वाले एंड पर जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ये है, और सी वाले एंड पर जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ये है। दोनों की लाइन अलग अलग है। जब दो फोर्स अलग अलग लाइन में लगते हैं एक ही सिस्टम के ऊपर, तो वो उस सिस्टम को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। क्या करते हैं, घुमा देते हैं, है ना। जैसे ये देखिए, ये मार्कर है, मार्कर के इस वाले एंड पर मैंने नीचे नीचे फोर्स लगाया और ये वाले एंड पर ऊपर लगाया, तो क्या हुआ, घूम गया ना, घूम गया ना। तो भैया ये क्या है, टॉर्क आ गया। क्या आ गया, फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, टॉर्क कहते हैं। यही वैल्यू हमें निकालनी है। चलो देखो, अच्छा ये है डीसी, डीसी की लंबाई कितनी भैया, डीसी की लंबाई कितनी है, डीसी की लंबाई बी। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रखा है, थीटा, समझ गए। तो ये डीसी, इसको नाम दे दो एल, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर दो डायग्राम है, अच्छा समझ गया। चलो अब देखिए ये डायग्राम, इसका टॉप व्यू ये बना दीजिए जो मुझे दिख रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे जब आप देखोगे इस वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ से, तो आपको ये डीसी ऐसे दिखेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी तो ये बना दी मैंने, ठीक है। और इस वाले एंड पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा तो अंदर बना दिया, इस वाले एंड पर फोर्स, और इस वाले एंड पर बाहर की तरफ लग रहा तो बाहर, बाहर, समझ गया भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स्ट्रा तो नहीं बेटा, ठीक है। एल, अभी ये मैंने डायग्राम बना दिया, अगर ये डायग्राम सारे क्लियर है तो डेरिवेशन आपकी खत्म हो चुकी है। देखिए डेरिवेशन पे आता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पर चार फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, तो किन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ ऊपर वाला जो डीसी आर्म पर फोर्स लग रहा है, इस वाले आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर, और इस वाले आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, और ये फोर्स की वैल्यू क्या है, बी आई बी साइन थीटा, और इस वाले फोर्स की वैल्यू भी क्या है, बी आई बी साइन थीटा। हम देख रहे हैं दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है, और दोनों ही क्या लग रहे हैं, एक्सिस पे लग रहे हैं, एक लाइन में लग रहे हैं। जब दो फोर्स, एक फोर्स 40 न्यूटन का इधर लग रहा है और इसी लाइन में एक फोर्स 40 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो ये वाला मास चलेगा नहीं चलेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, ना ये चलेगा ना ये घूमेगा। यानी दोनों फोर्स ने एक दूसरे का क्या, कैंसिल आउट कर दिया, दोनों की वजह से किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो बस ये पहले इसकी स्टेटमेंट देते हैं। चलो भैया समझ में आई बात नहीं, तो बताना जरा मेरे को। तो हेयर, हेयर फोर्स एट, ऊपर वाला कौन सा, ऊपर वाला क्या है, ये डीसी, ऊपर वाला डीसी, नीचे वाला क्या है, ए बी। एफ डी सी, जिसकी वैल्यू क्या है, बी आई साइन थीटा, कहां लग रहा है, अपवर्ड, एंड फोर्स क्या है, ए बी, जो क्या है भैया, बी आई बी साइन थीटा, कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों क्या है भैया, इक्वल अपोजिट है, एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मतलब एक ही लाइन में भी लग रहे हैं, जिस लाइन में लग रहे हैं वो भी क्या है, सेम है। जब इस कंडीशन में दो फोर्स इक्वल अपोजिट हो, रैप्टा मार दो बेटा इधर देख ले, दो फोर्स इक्वल अपोजिट हो एक ही लाइन में लगते हैं, तो दूसरे क्या करते हैं, क्या, सो दे कैंसिल टू, सो दे कैंसिल टू ईच अदर, वो एक दूसरे क्या करेंगे भैया, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सो इफेक्ट ड्यू टू देम, इफेक्ट ड्यू टू देम इज क्या हुआ, जीरो। ना तो इसमें किसी प्रकार का इफेक्ट है, इफेक्ट क्या होते, दो इफेक्ट होते हैं, ट्रांसलेशनल इफेक्ट
या तो बॉडी सीधी भाग जाए या रोटेशनल इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब बचे आपके पास बाकी दो फोर्स जो किस पे लग रहे हैं, एक लग रहा है भैया किस पे, एक लग रहा है इस वाले आर्म पर, क्या है भैया बिल साइन थीटा इनवर्ट, और एक वाले इस वाले आर्म, और दोनों क्या है भैया एक किस लाइन में लग रहा है, एक किस लाइन में लग रहा है, दोनों का लाइन भी अलग है। जब एक ही बॉडी पे दो फोर्स इक्वल है अपोजिट लगते हैं और दोनों अलग अलग लाइन में लगते हैं तो वो क्या करते हैं, एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं रोटेशनल इफेक्ट, और फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं भैया टॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था भैया ऑफलाइन क्लास लेना आज की, अगर ऑफलाइन नहीं लेते तो आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता। देखिए भैया बट बट एफ कौन सा था वो, ए बी सी डी, सी डी क्या भैया बिल, ये क्या भैया इनवर्ड है, बी सी और ए डी, बी सी क्या है भैया बी आई एल आउटवर्ड है, आउटवर्ड एंड अगला फोर्स क्या है ए डी, ये क्या है ए डी आउटवर्ड है और बी सी इनवर्ड है, ये इनवर्ड है एंड एफ क्या है भैया ए डी, ये क्या है ये भी पीला है लेकिन ये क्या है आउटवर्ड, आर इक्वल एंड अपोजिट बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, सो दे टर्न द कॉइल, टर्न द रेक्टेंगुलर कॉइल, वैसे किसी भी शेप की हो सकती है तो मैं रेक्टेंगुलर लिख रहा हूँ, कॉइल ही लिख रहा हूँ, ठीक है, टर्न द कॉइल एंड दिस एंड द इफेक्ट ऑफ एंड टर्न द कॉइल एंड टॉर्क, टर्न द कॉइल एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज, इफेक्ट इज नोन एज, नोन एज टॉर्क, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया टॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, और टॉर्क क्या होता है और क्या होता है आइदर फोर्स, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर, यहां पे कौन से फोर्स लेने हैं जो ये क्रिएट कर रही है इफेक्ट ला रही है, तो दो ही फोर्स आपको इफेक्ट ला रहे हैं, एक क्या एफ एफ बी सी और एफ ए डी, ये नहीं दो फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम पीछे से देखिए, तो मैंने अभी पीछे एक डायग्राम बनाया था, ये क्या था भैया सी और ये क्या था डी, इसकी लंबाई क्या थी एल थी, ये क्या था मैग्नेटिक फील्ड थी याद है, ये एंगल थीटा था, इस एम एंड पर जो फोर्स लग रहा था वो क्या था बिल, इस वाले एंड पर जो फोर्स लग रहा था वो भी क्या लग रहा था, ठीक है भैया ये इस फोर्स का लाइन ये है, इस फोर्स का लाइन ये है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है ये क्या है परपेंडिकुलर सेपरेशन, इन बिटवीन कौन सा फोर्स है भैया, कौन दो फोर्स लग रहे थे ना, तो एफ बी सी एंड एफ ए डी, ठीक है भैया टॉर्क, देन टॉर्क क्या आएगा आइदर फोर्स क्या है भैया बी आई बी, बी आई बी, अच्छा और परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है भैया, तो इस फोर्स के लाइन में और इस फोर्स के लाइन में सेपरेशन क्या है ये, यही है ना, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने एल लगाया था ना यहाँ पे एल लिखा था, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है डी एल, क्या है डी एल, अच्छा डीएल कैसे निकलेगा, तो ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ये एल नहीं था ना ये बी था, ठीक है, अब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है और ये क्या है, तो भैया अपने को पता है कॉस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, बेस क्या है यहां पर डीएल, बेस क्या है डीएल, हाइपोटेन्यूस क्या है बी कॉस थीटा, यानी डीएल की वैल्यू आ गई आपकी बी कॉस थीटा, तो टॉर्क क्या आएगा बी आई एल और डीएल की वैल्यू क्या रखी है बी कॉस थीटा, एल क्या है
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल और बी क्या है चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, और लंबाई गुणे में चौड़ाई क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, क्या हो गया तो एल इंटू में बी क्या हो गया एरिया, तो भैया टॉर्क क्या हो जाएगा आपका बी आई ए कॉस थीटा, क्या आएगा ये टॉर्क लग रहा है किसके ऊपर उस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इफ कॉइल कंसिस्ट विद, इफ कॉइल कंसिस्ट विद सिंगल टर्न, विद सिंगल टर्न पे ये कौन आ गई है बस पूरी मीटिंग ऐसी तैसी कर दी इसने, अब ये पूरी 40 मिनट ही चलेगी। मैंने कहा भैया इफ कॉइल कंसिस्ट विद सिंगल टर्न तो टॉर्क क्या था आपका भैया बिया क्या आया था कॉस थीटा, इफ कॉइल कंसिस्ट विद, कॉइल कंसिस्ट विद, कंसिस्ट विद एन टर्न, कितनी टर्न है तो यही टॉर्क क्या हो जाएगा बीना साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बीना थीटा, सबसे मेन फॉर्मूला यही है कि रेक्टेंगुलर कॉइल पे लगने वाला जो टॉर्क होता है वो बीना बी क्या है जिससे पूछूंगा बता दे जतिन, बी क्या है आई क्या है एन क्या है चबा नंबर ऑफ टर्न क्या है ए क्या है और थीटा क्या है आप बताओ आप थीटा क्या है किसके बीच का आर्म कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कॉइल और, तो अभी देखो एक फॉर्मूला और आएगा। अब एक चीज देखिए हमने जब डीसी पोर्शन को देखा, अब देखिए यहां पे बहुत पते वाली बात जा रहा हूं ये ध्यान रखना सुन लीजिए ओए नजर हटी तो दुर्घटना घटी, हमने जब डायग्राम को देखा था तो कॉइल को ऊपर से देखा था, अब कॉइल को जब आप ऊपर से देखो ये देखो आप ऐसे देख रहे हो इसको तो सी वाला एंड ऊपर की तरफ दिखाएगा आपको डी वाला एंड ऊपर दिखाएगा, एरिया क्या है एक्चुअल में ऐसा इसका कॉइल का जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको एरिया दिखेगा नहीं आपको केवल ऊपर वाले पोर्शन दिखेगा, अब मैं जैसे इसको देख रहा हूँ ऐसे करके ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे प्लेन थोड़ी ना दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल सेम इस डायग्राम में भी आपको केवल ऊपर का सी वाला एंड दिखेगा अंदर की तरफ, डी वाला एंड दिखेगा बाहर की तरफ, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है थीटा, एरिया है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा तो एरिया होगा तो उसका नॉर्मल भी होगा, एरिया की डायरेक्शन होती है जिसको हम एरिया नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ये रहा एरिया नॉर्मल, ये है आपका एरिया नॉर्मल। यार क्या चीज बन रहा है गंदा, ये क्या है नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ये रही एक ही मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी ना बनाई है मैंने कई सारी बनाई है बहुत सारी होंगी, तो यहां पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड खींची, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, नहीं होगा इसे कौन सा एंगल कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अब ऐसे भी आपको पता है ये क्या कॉइल है ये क्या है ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है ये कॉइल ये क्या है इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, अब देखो ये क्या है कॉइल है ये क्या है तो इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, तो चाहिए आप ऑल्टरनेट एंगल बोल दो और चाहे आप बोल दो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के कहीं से भी एंगल बनेगा, चाहे यहां पर मैं खेद दूं मैग्नेटिक फील्ड तब भी यहां पर क्या बनेगा थीटा बनेगा क्योंकि ये अभी भी कॉइल है और ये अभी भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है तो ये हो गया कॉइल और थीटा एंगल बन गया। अच्छा ये एंगल क्या हो गया अल्फा, ये किसके बीच का एंगल है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो यहां पर देखिए थीटा किसके बीच का एंगल है थीटा एंगल इन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा अल्फा किसके बीच का एंगल है एंगल इन बिटवीन नॉर्मल कौन सा नॉर्मल एरिया नॉर्मल किसका एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक चीज देखिए हेयर अल्फा प्लस थीटा अगर मैं दोनों को जोड़ू तो 90 आएगा ना, ये अल्फा और थीटा को जोड़ो ये 90 डिग्री का है ना तो ये 90 डिग्री कैसे बना अल्फा और थीटा को जोड़ के समझ गया, तो हेयर अल्फा प्लस थीटा क्या होगा हेयर अल्फा प्लस थीटा बराबर में 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस अल्फा, तो देन टॉर्क क्या होगा टॉर्क क्या होगा अभी क्या निकालता बीना कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखी है
90 माइनस अल्फा, टॉर क्या हो जाएगा, बीना कॉस 90 माइनस अल्फा। तो भैया ये क्या होता है, बीना कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है भैया, साइन अल्फा। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यही होता है, जब आपका कॉस लगा होगा तो आपको एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल यूज करना है, और जब आप साइन यूज करोगे तो एंगल बिटवीन इन बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी साइन लगा होगा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और जब आपको कॉस लगा होगा तो, ठीक है भैया, ये है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे एक डायग्राम में मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, ये वाली जब स्टेटमेंट लिखी थी, ये वाली स्टेटमेंट, तो डीसी कहाँ लगा था, ऊपर, उसकी वैल्यू क्या थी, बी आई बी साइन थीटा ऊपर की तरफ था, और ये जो लग रहा था ए बी वो कहाँ लगा था, साइन थीटा नीचे, ये दोनों एक ही लाइन में लग रहे ना, तो भैया दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ पर ये फोर्स की लाइन ही है, ये फोर्स की लाइन है, दोनों फोर्स की लाइन अलग अलग है, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, अलग अलग लाइन में लगने से इससे क्या रोटेशन इफेक्ट आएगा, फोर्स के इस रोटेशन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, टॉर्क कहते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा इसमें थोड़ा एक बार केस लेते हैं, इफ अल्फा इक्वल्स टू में 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के, डायग्राम कैसे बनेगा, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो कैसे बनेगा, तो भैया देखिए ये आपकी कॉइल होगी, एकदम मोड़ दिए मैंने, समझ गया, एकदम टर्न कर चुकी है, ये है आपका नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, ये नॉर्मल जो है वो किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, किसके अलोंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना रखी है वो कहाँ है, जेड के अलोंग, किसके अलोंग है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर, उस केस में आपका अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग है और नॉर्मल आपका एक्स के अलोंग है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, केवल क्या होगी, बीना क्या होगा, और ये मैक्सिमम टॉर्क है, और ये मैं सोचना बीना लिखा होता है, या फिर मैंने जो टीना के सर पे मल, टीना के नीचे मल, और बीना, ये सब भैया ये सब मेरी इन्वेंशन है, और जस्ट फॉर यू, इसमें टाइम लगता है चीजों को, मैं पहले सोचता हूँ कि यार कैसे कराऊं कि बच्चों को आसान रहे, तो मेरे दिमाग में आता है मैं ऐसे करा देता हूँ, ठीक है बेटा, ताली बजाने वाली आदत छोड़ दे, ठीक है, और समझ गया, ध्यान दीजिए भैया, अब अगला टॉपिक है भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या है, पूरा नहीं कराने वाला मैं, केवल डायग्राम, क्योंकि पीछे 4 बजे वाले बैच में मैंने केवल डायग्राम बना रखा है इसका, और ध्यान रखना डायग्राम बहुत मेन है, होता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखिए आपने बहुत सारे एमीटर देखा होगा, आपने वोल्ट मीटर देखा होगा, ठीक है, आपने मल्टीमीटर देखा होगा, येलो कलर का आता है, दो ऐसा तार निकली होती है, लगाते ऐसे वायर में चेक करते भैया यार करेक्शन चालू, येलो कलर का होता है सब, ऊपर से ऐसा रेगुलेटर भी लगा होता है, ठीक है, ऐसी आपका एक छोटा सा होता है जो कि एमीटर जैसे लगता है, उसे गैल्वेनोमीटर में कहते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर की जो जीरो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर होता है उसका जीरो जो होता है वो और ओ बीच में होता है, सेंटर पे होता है, तो भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसका सिद्धांत बिल्कुल सिंपल सा है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पीछे वाला जो हमने किया ना उसी सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत क्या है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाएगी तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क उस कॉइल को क्या करता है, घुमा देता है, क्या करता है, इसी सिद्धांत के ऊपर ये भी काम करता है, ठीक है, वैनो पहले आता है, डिवाइस, डिवाइस क्या करता है, इसका यूज क्या होता है, यूज डिटेक्शन ऑफ करंट, डिटेक्शन ऑफ करंट, करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है या नहीं है, है या होगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो, और दूसरा इसका यूज है, ठीक है, सर्चिंग द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा
वो पढ़ाया था मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज, और आप एक्सपेरिमेंट शायद करोगे तो उसमें पढ़ोगे मीटर ब्रिज भी करोगे, तो मीटर ब्रिज में आप नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हो, तो उसमें जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढने के काम में आता, तो आपको मैंने बताया था ये भी लगा था गैल्वेमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था ना, गैल्वेमीटर वहां पे था ना, तो वो वहां पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढता है। ठीक है भैया, तो इसका काम क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ करंट और सर्चिंग ऑफ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, या बैलेंसिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट को भी ढूंढता है। ठीक है, अब देखिए ये तो यूज हो गया इसका, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, क्या लगता है, बस यही सिद्धांत है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट क्या कहते हैं भैया, टॉर्क है। ठीक है, डायग्राम देखिए इसका जो दिखता है, जैसे दिखता है, ठीक है, चलो इतना रहने दीजिए, अगली क्लास में, और अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और वो क्लास भी आप ऑफलाइन के लेने का प्रयास करना, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं लूंगा, ठीक है, तो नंबर दे जाइए, ठीक है बेटा, मिलते अगली क्लास में, आज कितना ही टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा, पता नहीं यार क्या हो गया, अब आने वाला था, लेकिन ना चाहे काफी देर हो गई ना, चलिए साथ कोई बात नहीं, आगे आपने क्या किया, होती है।